और अब मैं सत्येंद्र जी और बबीता जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और माँ शारदे के चरणों में ये पुष्प अर्पित करके और चूंकि अब जो है मंत्रोच्चारण भी हो चुका माँ शारदे को पुष्प अर्पित करें आज तो बड़ी सुखद सी हवा चल रही है कल थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी यहाँ लेकिन आज वातावरण में और ज्यादा उल्लास नजर आ रहा है उत्थान समिति के बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले कितने ही सालों से पर्यावरण संरक्षण की एक मुहिम लेकर के सतेंद्र जी जो हैं जो कि चेयरपर्सन हैं इसके वो लेकर के चल रहे हैं है, चेयरमैन हैं इस संस्था के और उन्होंने जो है नदियों को बचाने की भी एक मुहिम चला रखी है साथ ही साथ जो है पौधों की रक्षा पेड़ों की रक्षा के लिए भी वो निरंतरता में कार्य कर रहे हैं और अपने वैसे तो सुन बहुत सारी संस्थाएं होती हैं लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाली एकमात्र संस्था मुझे उत्थान समिति नजर आती है क्योंकि जिस समर्पण भाव से ये वास्तव में इस पूरी प्रकृति को बचा लेना चाहते हैं इस धरा को बचा लेना चाहते हैं वो जज्बा उनके कार्य में दिखाई पड़ता है और इस तरह सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन करके ये एक माध्यम है ये सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन असल में माध्यम है कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं लोग जुटेंगे इकट्ठा होंगे तो उन सभी तक एक एक व्यक्ति तक ये मैसेज ये संदेश प्रसारित प्रचारित हो कि प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है जैसा कि मैंने कल भी कहा कि कोरोना ने हमें बिल्कुल बता दिया है अगर अब भी हम नहीं संभलते हैं तो फिर कोई उठाने नहीं आएगा ज़रूरत है इस समय प्रकृति को सहेजने की उसको साथ लेकर के चलने की प्रकृति के निर्देशों का पालन करने की हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए हैं असल में प्रकृति से भी ऊपर उस असीम सत्ता से भी ऊपर जब हम अपने आप को मानने लग जाते हैं ना तो फिर विनाश द्वार पर खड़ा होता है तो हमें ईश्वर के संकेत को समझना है जो आपदाएं दिन रात आ रही हैं कहीं बाढ़ कहीं भूकंप आ रहे हैं कहीं तबाही हो रही है तो यानी प्र प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा रहा है कुछ तो है जो असंतुलित हो रहा है उसको संभालना है संतुलन बनाना है और जब साम्य रहता है संतुलन रहता है सभी चीज़ों में तभी जो है वो सहजता से काम कर पाती हैं और सत्येंद्र जी की ये खूबी है मैं अभी बबीता जी को भी यही कह रही थी कि दोनों इतनी शिद्दत से कार्य में इसमें लगे हैं हैं। और सबसे बड़ी खूबी दोनों की यह है कि बहुत ही सरल हैं, विन, विनम्र हैं, सहज हैं और ये मासूमियत भी इसीलिए बरकरार है आप दोनों की कि आप प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं आप बिल्कुल वही हैं जो हैं तो बाकी तो दुनियावी हेर फेर वो दूसरे लोग कर सकते हैं क्योंकि वो लोग जो हैं प्रकृति का भी सच नहीं जानते और स्वयंभू हो जाने की जो ख्वाहिश होती है कुछ लोगों की लेकिन आप लोगों को सलाम करती हूँ आपके जज्बे को सलाम करती हूँ आपकी सोच को सलाम करती हूँ वाकई और ये छोटी छोटी कोशिशें एक दिन इतना बड़ा रूप लेती हैं ना आप आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं जो जो दृश्य मैं दूर तक देख पा रही हूँ कि जो कल इतिहास रचा गया वहाँ हिंदी भवन में ये जो प्रयास है ना दूर दूर तक मैसेज कन्वे जिस तरह से हो रहा है ये बहुत लाजवाब कोशिश है आप लोगों की और मैं चाहूंगी कि एक बार आप दोनों के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएं जोरदार मतलब मुझे जोरदार चाहिए इस समय तालियां हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा दें बच्चों अपने घुंघरू बाद में संभालना हाँ ठीक है ना